कहानी आज की। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कहानी आज की में हम एक लड़की की चतुराई के बारे में सुनेंगे। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह पास के गांव के एक धनी आदमी के पास गया और बोला, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कृपा करके आप मुझे 1,000 रुपए दे दें। मैं 1 वर्ष के अंदर आपका कर्ज लौटा दूंगा। धनी आदमी ने उस गरीब आदमी को 1,000 रुपए दे दिए। 1 वर्ष बीत गया। गरीब आदमी ने धनी आदमी को उसके रुपए नहीं लौटाए। काफी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद धनी आदमी एक दिन उस आदमी के घर गया। बरसात के दिन थे, रह रहकर बारिश हो रही थी। वहां उसे वह आदमी नहीं दिखा। घर में सिर्फ एक लड़की थी। धनी आदमी ने उससे रोबदार आवाज में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। धनी आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। धनी आदमी की समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? इस पर लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। धनी आदमी को अब गुस्सा आने लगा। वह खींच कर बोला, और तुम यहाँ बैठ कर क्या कर रही हो? लड़की हंस कर बोली, मैं 1 से 12 देख रही हूँ। धनी आदमी समझ गया कि लड़की उसके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देगी। उसे इस लड़की से प्यार से बात करनी होगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बेटी तुम्हारे किसी भी उत्तर का अर्थ समझ में नहीं आया। तुम मुझे इन सभी के अर्थ समझाओ। लड़की ने भी हंस कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे बदले में क्या देंगे? धनी आदमी के मन में तो अर्थ समझने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दें, तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। धनी आदमी बोला, चलो माफ कर दूंगा, अब तो बता दो। इस पर लड़की बोली, आज तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपा कर आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। धनी आदमी अगले दिन फिर उस लड़की के घर पहुंच गया। वहां लड़की के पिता, माँ और भाई भी मौजूद थे। लड़की ने धनी आदमी का स्वागत करते हुए पूछा, आपको अपना वचन याद है ना? धनी आदमी ने कहा, हाँ मुझे याद है। तुम यदि अपनी बातों के अर्थ मुझे समझा दो, तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और गुहाल की छत चू रही थी। पिताजी पानी रोकने के लिए छप्पर छा रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब यह है कि वे रेंगनी के पौधों को काटने गए थे। अगर कोई रेंगनी के पौधों को काटेगा तो उसका कांटा शरीर में चुभेगा। इस तरह बिना झगड़ा किए ही झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। धनी आदमी ने हुंकार भरी और कहा, अब तीसरी बातों का अर्थ बताओ, और मन ही मन लड़की की प्रशंसा करने लगा। लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है,
इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल दलने गई थी। अगर साबुत अरहर को पीसा जाए तो एक दाना का दो भाग बन जाता है, यही था एक का दो करना। अब रही बात चौथी, तो उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख लेती थी भात पका है या नहीं। मैं एक चावल देखकर ही जान जाती थी कि पूरा चावल पका है या नहीं, इसलिए मैं एक से ही सारा चावल देख रही थी। यह कहकर वह चुप हो गई। धनी आदमी लड़की की बुद्धिमानी से आश्चर्य चकित रह गया। उसने कहा, बेटी तुम सच में बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। ये बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंस कर बोली, यह तो मैं बता चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। उस वक्त अगर मैं आपको अपनी बातों का अर्थ समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तब माँ मुझे डांटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज आपके मुंह से ही इन लोगों ने यह सुन लिया कि आपने कर्ज माफ कर दिया। इससे इनको विश्वास भी हो गया और खुशी भी हुई। लड़की की बात सुनकर धनी आदमी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से कीमती माला निकालकर उसे दिया और सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं पहले ही माफ कर चुका हूँ। अगर आगे तुम्हें कभी किसी की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कहना, मैं सभी चीजों की पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर धनी आदमी चला गया। लड़की के माँ बाप ने उसे खुशी से गले लगा लिया।